अब चलते हैं आज की राजनीतिक माहौल की ओर। आज दो दिन बचे हैं, चुनाव प्रचार समाप्त होकर 19 तारीख को मतदान हो जाएगा। पहले चरण का राजस्थान में 12 सीटों पर, 25 में से 12 सीट। और जब चुनाव की घोषणा हुई थी तब मैंने भी कहा था कि कांग्रेस कैसे लड़ेगी, कहां से लड़ेगी, किसको लड़ाएगी, उम्मीदवार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, चुनाव ब्याव मंडेगा कि नहीं मंडेगा, यहां तक भी सवाल मैंने भी उठाए थे। परंतु कांग्रेस ने एक प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते और राजस्थान में उनके पास 70-71 सीटों का जो सपोर्ट है विधानसभा में, उसकी ताकत के बल पर खड़े होकर के और चुनाव में 22 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। उतारे 23 पर थे, एक प्रत्याशी को वापस लिया लेकिन उसका नामांकन वापस नहीं हो पाया। तो 23 सीटों पर हाथ का निशान होगा ईवीएम पर 22 सीटों पर कांग्रेस वोट मांग रही है। एक सीट सीपीएम के लिए छोड़ी है सीकर, एक सीट नागौर की छोड़ी है। तो इसमें जो 12 सीटों पर मतदान होना है, इन 12 सीटों पर ऐसा लग नहीं रहा था कि कांग्रेस मुकाबले में आ पाएगी, लेकिन अब मतदान के जब 2-3 दिन रह गए हैं तब मेरा विश्लेषण है, अनुमान है, मेरे पास सूचनाएं हैं कि कम से कम 6 सीटों पर कांग्रेस कड़े मुकाबले में है, कड़ी टक्कर दे रही है कांग्रेस 6 सीटों पर 12 में से। इसमें दौसा एक है, दौसा में कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रही है, मुरारीलाल मीणा वर्तमान विधायक, और जहां वर्तमान विधायक चुनाव लड़ रहे हैं वहां एक बात और है खास बात कि उसको हारा हुआ व्यक्ति भी धक्का लगाता है कि ये जाए तो मेरे लिए उपचुनाव हो, ऐसा कई जगह हो रहा है। हालांकि महेंद्र सिंह मालवीय ने तो पहले ही सीट खाली कर दी, इस्तीफा दे के तो पार्टी बदली थी, पर यहाँ मुरारीलाल मीणा दौसा के MLA चुनाव लड़ रहे हैं। ये कड़ी टक्कर वाली सीट है, इसकी खास बात यह है कि राजेश पायलट यहाँ से, सचिन पायलट के पिता 5 बार सांसद रहे और सचिन पायलट खुद सांसद रहे, और जब भी मीणा गुजर समुदाय एक हो जाते हैं, राजेश पायलट की भी विशेषता थी कि वो जाति प्रतिद्वंदिता से ऊपर उठकर मीणा समाज को साथ लेकर चले, कोड़ीलाल मीणा को भी उन्होंने कई बार साथ रखा। तो अभी स्थितियाँ वैसी बनती दिखाई दे रही हैं, इसलिए ये सीट कांग्रेस ने टक्कर में लाकर खड़ी कर दी है। दूसरी टक्कर की सीट करौली धौलपुर लगती है मुझे, तीसरी टक्कर की सीट जयपुर ग्रामीण लगती है, जहाँ से राव राजेंद्र सिंह BJP की टिकट पर है, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष, और एकदम नए अनिल चोपड़ा नौजवान राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेता, ये सीट भी मुकाबले में आ गई है। और चूरू और झुंझुनू दो सीटें और हैं जहां कांग्रेस टक्कर दे रही है BJP को। गंगानगर में भी कांग्रेस मुकाबले में खड़ी है, कुलदीप इंदौरा प्रियंका बालन से मोर्चा ले रहे हैं। तो इन 12 में से 6 सीटों पर आज स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस खड़ी हो गई है, टक्कर दे रही है, कड़ी टक्कर दे रही है। नतीजे की तरफ मैं नहीं जाता क्योंकि अभी आगे बताऊंगा मैं कि BJP के पास क्या है जिसकी वजह से नतीजे का अनुमान लगाना संभव नहीं है। पहले ही बताता हूं कांग्रेस टक्कर में कैसे आ गई है। कांग्रेस में जब विधानसभा चुनाव था तो अशोक गहलोत भी चुनाव लड़ रहे थे, गोविंद सिंह डोटासरा भी चुनाव लड़ रहे थे, सचिन पायलट भी चुनाव लड़ रहे थे, बड़े बड़े नेता चुनाव में एंगेज थे। अब अशोक गहलोत चुनाव नहीं लड़ रहे, उनके बेटे जरूर लड़ रहे हैं पर वो वहाँ से निकल के आ गए बाहर व्यवस्थाएं करके, और इधर अलवर भी आ गए अशोक गहलोत, अजमेर भी चले गए अशोक गहलोत, सचिन पायलट टोटली फ्री जगह जगह जा रहे हैं, खासतौर पर मुरारी मीणा, अनिल चोपड़ा जयपुर ग्रामीण में, और जहाँ जहाँ उनकी आवश्यकता है टोंक साहिब मधुबन खास जहाँ से वो खुद विधायक हैं वहाँ वहाँ वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो वो भी फ्री हैं और मोर्चा ले रहे हैं, और गोविंद डोटासरा भी फ्री हैं और मोर्चा ले रहे हैं। तो इन तीन नेताओं की सक्रियता ने कांग्रेस को खड़ा कर दिया है, और कोई विवाद भी इन्होंने नहीं मंच पर दिखाया किस तरह का, वो राइवलरी नहीं रही अब कि अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इनकी ये एकजुटता कांग्रेस को चुनाव में खड़ा करने के लायक बना पाई इन 12 सीटों में से 6 सीटों की जिनका मैंने जिक्र किया।
आज भाजपा की चर्चा हम नहीं कर पाएंगे समय अभाव के कारण, लेकिन कल हम भाजपा की चर्चा भी करेंगे कि भाजपा टक्कर में तो पहले से थी, मतलब 25 की 25 सीटें दो बार आई हैं, पर इस बार 25 की 25 की हैट्रिक लगाने की कोशिश में डबल इंजन की सरकार मौजूद है, दिल्ली में मोदी हैं, इतना बड़ा नाम है और भजन लाल यहाँ मुख्यमंत्री, दौड़ रहे हैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी, इसके बावजूद कांग्रेस कैसे खड़ी हो गई? कई जातीय समीकरण बन गए, बिगड़ गए, कई जातियाँ ऐसी हैं जो उनका सोच उभर कर आ गया, और किसान जातियाँ खासतौर पर ग्रामीण जातियाँ जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा, इसकी वजह से कांग्रेस मुकाबले में आ खड़ी हुई इन 12 में से 6 सीटों पर। भाजपा की क्या स्थिति है, भाजपा इन 12 सीटों पर कैसा चुनाव लड़ रही है, बाकी 13 सीटों पर भी कैसा चुनाव लड़ रही है, इस पर हम कल चर्चा करेंगे पेनल्टी कॉर्नर में। आज बस इतना ही, नमस्कार।